हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस का हम इंटरोगेटिव, यानी कि जो सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं या क्या से समाप्त होते हैं, वैसे सेंटेंसेस का इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेज मैंने लिखे हुए इधर, इन सेंटेंसेज को हम इंटरोगेटिव में, मीन्स क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है कि इज आर एम, वाज वर, शैल विल, हैज हैव, कैन कुड, शुड, मस्ट, नीड, हैड, मे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जिस सेंटेंस में भी ये सारे हेल्पिंग वर्ब होंगे जब हम उनका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब उसका घर बड़ा है, तो उसका घर बड़ा है ये हम अफर्मेटिव सेंटेंस है, या हम इसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो उसका घर बड़ा है, उसमें हम अगर क्या लगा देते हैं शुरुआत में कि क्या उसका घर बड़ा है, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव में हम दो तरह के सेंटेंसेस पढ़ते हैं, एक डब्ल्यू एच वाले और क्या से शुरू होने वाले। तो आज हम क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका घर बड़ा है, इसमें हमने क्या नहीं लगाया है क्योंकि अभी आपको समझाना बाकी है। जैसे हम उसका घर बड़ा है, पहले हम इसका बनाएंगे कि हिज हाउस इज बिग। ओके फ्रेंड्स, उसका घर बड़ा है तो हिज हाउस इज बिग। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, क्या उसका घर बड़ा है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी इस तरह के हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेज होते हैं, तो उसका हम इंटरोगेटिव यानी कि क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त उस हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो अभी उसका घर बड़ा है, इसके लिए हिज हाउस इज बिग होगा, और इसमें हमने क्या लगा दिया, तो क्या लगाने की वजह से हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पर फर्स्ट में लिखेंगे, शुरुआत में लिखेंगे इज हिज हाउस बिग। बस ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है और आसान तरीका है किसी भी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए। अभी हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे पिताजी नाराज थे, तो योर फादर वॉज एंग्री। ओके फ्रेंड्स, अब इसे हम क्या लगाते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी नाराज थे। फ्रेंड्स, हम क्या शुरू में भी बोल सकते हैं और लास्ट में भी बोल सकते हैं। जैसे उसका घर बड़ा है क्या, क्या उसका घर बड़ा है और उसका घर बड़ा है क्या, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ज़्यादातर बोलचाल में जो हम नॉर्मली बात करते हैं उसमें हम ज़्यादातर क्या लास्ट में ही लगाते हैं, तू आएगा क्या, तुम्हारी पेन है क्या, इस तरह से हम क्या ज़्यादातर लास्ट में लगाते हैं। इतना हम अच्छी तरह से हम हिंदी नहीं बोलते, इसके लिए हम कैसे भी हिंदी बोल के काम चला लेते हैं, उसमें ज़्यादातर हम क्या लास्ट में ही बोलते हैं, शुरुआत में बहुत कम बोलते हैं क्या या तुम्हारी पेन है, हम ज़्यादा इतना अच्छे से नहीं बोलते हिंदी। तो क्या या तो लास्ट में होगा या तो फर्स्ट में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब अगर आएगा तो हम उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे हैज हैव हो, चाहे नीड हो, चाहे शुड हो, चाहे मस्ट हो, चाहे इज आर एम हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। अभी क्या लगा दिया, तो ये वॉज हटाकर यहाँ से हम यहाँ शुरू में लिखेंगे, वॉज योर फादर एंग्री, क्या तुम्हारे पिताजी नाराज थे। फ्रेंड्स, अगर इसमें नॉट अगर नहीं रहता है कि क्या तुम्हारे पिताजी नाराज नहीं थे, तो यहाँ पर हम वॉज योर फादर नॉट एंग्री हम ऐसा लिखेंगे, या वॉजंट हम शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं कि वॉजंट योर फादर एंग्री। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसका वह एक गायक बनेगा, तो वह एक गायक बनेगा, He will be a singer. Okay friends? He will be a singer. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल है,
तो अगर हम यहाँ पर क्या से शुरू करते हैं सेंटेंस को कि क्या हुआ एक गायक बनेगा, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं आपको समझने के लिए इस तरह से मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आप इंग्लिश जब बोल रहे होंगे तो वहाँ पर ऐसा मत पहले ऐसा सेंटेंस बनाना फिर हेल्पिंग वर्ब को पहले ला के बोलना, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर एक बार समझ गए तो फिर आपको बाद में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मुझे दवाई खाने की ज़रूरत है, तो आई नीड टू टेक मेडिसिन। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब इसमें हमने क्या लगा दिया, क्या मुझे दवाई खाने की ज़रूरत है, तो नीड हेल्पिंग वर्ब है, तो नीड हम पहले लगा देंगे, नीड आई टू टेक मेडिसिन। ओके फ्रेंड्स, उसके पास बंदूक है, तो ही हैज़ अ गन। अब इसमें हमने क्या लगा दिया, क्या उसके पास बंदूक है, तो हैज़ यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हैज़ है, तो हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ ही अ गन। उसे जाना चाहिए, ही शुड गो। ओके फ्रेंड्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड है, तो शुड को यहाँ से हटाकर हम पहले लिख देंगे, अगर क्या से शुरू करते हैं तो शुड ही गो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस, वैसे सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब आते हैं, और जिन जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं उसको कैसे बनाते हैं। मैंने अभी उस तरह के सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, अगर उसका हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या तुम जाते हो, एक बार हम क्या छोड़ देते हैं, तुम जाते हो इसका इंग्लिश बनाते हैं यू गो। ओके फ्रेंड्स, यू गो। अब इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर इसका हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है उसके लिए तो आप समझ गए होंगे कि उसका इंट्रोगेटिव यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को बनाते वक्त इंग्लिश में हम उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। बट इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो फिर इसका हम क्या लिखेंगे इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो डू डज लगाते हैं, डू यू गो। ओके फ्रेंड्स, आपने अगर मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला जो टेंसेज वाला एडवांस कोर्स वाला वीडियो देखा होगा, उसमें टेंस वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें अच्छी तरह से मैंने बताया कि डू और डज कहाँ लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या वो आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पहले हम क्या हटाते हैं, वो आ गया का लिखते हैं ही केम। ओके फ्रेंड्स, ही केम। अब इसमें अगर हम क्या लगा देते हैं यानी कि इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो डिड लगता है इसमें, डिड ही, और यहाँ पे फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, केम नहीं होगा, कम होगा। ओके फ्रेंड्स, क्या तुमने चाय पी, तो तुमने चाय पी पहले इसका हम बनाते हैं यू टुक टी। अब इसका क्या लगाया, तो डिड आ जाएगा, डिड यू, यहाँ पे टुक नहीं होगा बल्कि टेक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में जो डिड से बना रहे हो तो डिड लगाने के बाद उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा लगाते हैं, सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे पिताजी गए, तो इसका हम डायरेक्ट बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, डिड योर फादर गो। क्या वह दूध पीता है, तो इसमें वह है इसलिए डज लग जाएगा, डज ही ड्रिंक मिल्क। ओके फ्रेंड्स, मीन्स कहने का मतलब यही है कि अगर वैसे सेंटेंस जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है उसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें डू डज लगता है, और पास्ट टेंस होगा तो उसमें हम डिड लगाते हैं, और डिड लगाने के बाद वर्ब का पहला फॉर्म ही लिखते हैं यानी कि वी वन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज की टॉपिक अच्छी लगी होगी आपको, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद।